गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, लेट बी स्टार्टेड चैप्टर 12, हेल्दी लाइव्स ऑफ पीपल, यानी कि लोग स्वस्थ कैसे रहें, यानी कि स्वस्थ कैसे रह सकते हैं लोग, हेल्दी लाइव्स ऑफ पीपल। लर्न इन मोर दिस चैप्टर, लिविंग हेल्दियर लाइव्स, क्लिनिकल थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप, मशीन दैट कैन लुक इनसाइड द बॉडी, सर्जरी, एनेस्थीसिया, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीनेशन, पास्चुरेशन एंड एंटीसेप्टिक, कीपिंग लिव्स फिट एंड हेल्दी। मतलब इस चैप्टर में हेल्थ इश्यूज को लेके सारा डिस्क्राइब करे हैं, जैसे कि अपन को अगर बुखार आता है तो अपन थर्मामीटर के थ्रू अपन बुखार का टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, जैसे ही अगर अपने को कोई बहुत ज्यादा बड़ी अगर अपने को कोई चोट लगती है, हाथ में चोट लगी है या अपन गिर गए हैं, अपनी हड्डी टूटी, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक्सरे करवाते हैं। यदि अपन हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्या करवाता है, एक्सरे करवाता है, उसके थ्रू अपने को रिकग्नाइज होता है कि अपनी हड्डी में मोच आई है या हड्डी ब्रेक हुई है। इस तरह से सर्जरी, कोई ऑपरेशन होता है उसमें क्या, पहले ऑपरेशन करने से पहले कौन सी दवाई दी जाती है, ये सारा इस चैप्टर में क्लियरली बताया गया है। ठीक है, ओके, लेट स्टार्ट करते हैं। लिविंग हेल्दियर लिव्स, अपन कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। लॉन्ग अगो पीपल यूज टू थिंक दैट डिजीज आर द रीजन ऑफ इवल स्पिरिट्स। जो पहले के जमाने के लोग थे वो सारे सोचते थे कि बीमारी का कारण क्या है, मतलब कि धर्म से जोड़ देते थे कि भाई इस देवता के नाराज होने से हम बीमार हो गए, इस तरह से। बट टू क्योर द डिजीज, वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस आर नेसेसरी। यदि अपनी बीमारी को ठीक करना है तो हमें देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। डिजीज वर कंसीड टू बी द रॉन्ग डीड्स ऑफ मैन एंड इट इज क्योर्स, यानी जो बीमारी का मेन कारण क्या है, अपनी रॉन्ग यानी अपन ने कुछ ना कुछ गलती करी है जिस वजह से हम बीमार हुए हैं। बट टूडे ड्यू टू द एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस, परंतु अब जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ और नई नई टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, इन्वेंशन होते गए, उसकी वजह से क्या हुआ, मेडिकल साइंस ने इतनी एडवांसमेंट कर लिया कि मेड पॉसिबल अंडरस्टैंड व्हाई डिजीज ऑकर, कि किस वजह से डिजीज हुई है उसका कारण जान लिया। मेडिकल साइंस ने इतना ज्यादा तरक्की कर ली है कि मेडिकल साइंस से अपन जान सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कि ये जो कुछ भी अगर कोई डिजीज की वजह से बीमारी हुई है तो उसका क्या कारण है। सीवियर मेथड्स ऑफ डायग्नोस डिजीज हैव बीन डेवलप्ड, और किसी भी डिजीज को जानने के लिए पहले डायग्नोस किया जाता है और उसको फिर उसकी डिटेल्स जानी जाती है। थाउजेंड्स ऑफ मेडिसिन आर नाउ अवेलेबल, यानी कि पहले जमाने में कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती थी, एंड मोर आर बीइंग डेवलप्ड टू ट्रीट डिफरेंट डिजीज, और कई डिफरेंट डिजीज होती थी उनको इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता था। लिविंग हेल्थियर लिव्स वी नीड मैनी डिफरेंट थिंग्स, यदि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है तो हमें कई तरह की चीजों को अपनाना होगा। वी नीड अ क्लीन एनवायरनमेंट, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी बहुत जरूरी है ताकि हम उसी से अपन हेल्दी रह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है क्लीनिनेस, यानी कि क्लीन एनवायरनमेंट एंड हेल्दी न्यूट्रिशन फूड, और हमें अपना जो खाना है उसमें हेल्दी न्यूट्रिशन फूड को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। वी आल्सो नीड गुड मेडिकल केयर, और हमें अच्छे मेडिकल केयर की नीड होती है ताकि हमें मंथली या वीकली या ईयरली हमें अपनी बॉडी का पूरा चेकअप जरूर कराना चाहिए। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो मेडिकल साइंस में बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट, मेजर डेवलपमेंट हुए हैं वो इस चैप्टर में डिफाइन किए गए हैं, यानी कि बहुत ज्यादा डिटेल में बताए गए हैं। सबसे पहले है क्लिनिकल थर्मामीटर, आप सभी जानते हैं थर्मामीटर का मतलब, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम अपने अगर क्या होता है, अपने को बुखार होता है तब, फीवर आता है तब, उस टेम्परेचर को मेजरमेंट थर्मामीटर से ही कर सकते हैं। ऑफन व्हेन वी फॉल इल, यदि हम जब बीमार होते हैं, अवर बॉडी बिकम्स वार्मर, और हमारी बॉडी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, दिस इज कॉल्ड फीवर, और इसी को हम क्या कहते हैं, फीवर यानी कि बुखार।
फीवर इज अ सिम्टम ऑफ अ डिजीज, फीवर एक सिम्टम है, एक बीमारी का सिम्टम है, डिजीज का सिम्टम है. व्हेन यू एक्सप्रेस योर फिजिकल कंडीशन दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल, योर पेरेंट्स टच योर फोरहेड टू फाइंड आउट वेदर इट इज वार्म और नॉट. जब हम अगर हमें फीवर आता है तो हमारे मम्मी या पापा जो होते हैं वो सबसे पहले अपना क्या टच करते हैं, हेड को टच करके देखते हैं कि आपको फीवर तो नहीं, ऐसे टच करके देखते हैं ना, और अपने हैंड की नर्व्स को देखते हैं कि नर्व्स कैसे चलती है, अपने कितना वो हॉट है या कोल्ड है, किस तरह से वो पहले टच करके देखते हैं. इट इज वार्म और हॉट बट दिस डज नॉट गिव अ करेक्ट आइडिया, पर लेकिन इससे अपन करेक्ट आइडिया नहीं निकाल सकते कि फीवर है या नहीं है. उसके लिए क्या करते हैं, सो दे वी यूज अ क्लिनिकल थर्मामीटर. फिर क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज किया जाता है, इट मेजर योर बॉडी टेम्परेचर, जो कि अपनी पूरी बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट होता है. टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज, मतलब उस मेजरमेंट से पता कर सकते हैं कि हमें फीवर है या नहीं है, या इस तरह से ही हॉट है नॉर्मल बॉडी या कोल्ड है. इट इज मेजर्ड इन सी डिग्री सेल्सियस ऑफ फॉरेन डिग्री फारेनहाइट सेल्सियस. जो इसमें मेजरमेंट होता है वो किसमें होता है, डिग्री सेल्सियस में, मतलब डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फारेनहाइट में होता है. इसमें जो टेम्परेचर होता है, जो मेजरमेंट आता है, वो डिग्री सेल्सियस में और फारेनहाइट सेल्सियस में आता है. इफ द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी इज 98.4 डिग्री, यू आर ऑल राइट. यदि अपना टेम्परेचर, अगर थर्मामीटर का यूज करते हैं अपन और टेम्परेचर को जब अपन मेजरमेंट करते हैं तो उसमें अगर 98.4 डिग्री अगर अपना टेम्परेचर आता है तो हम बिल्कुल स्वस्थ है, यानी कि हम बिल्कुल ठीक है. द क्लिनिकल इन्फॉर्मेटर वॉज इन्वेंटेड बाय गैब्रियल डैनियल फारेनहाइट. इसका जो इन्वेंशन किसने किया था, गैब्रियल डैनियल फारेनहाइट ने किया था. थर्मामीटर का इन्वेंशन किसने किया था, गैब्रियल डैनियल फारेनहाइट ने किया था. टू बी कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास. आई होप अंडरस्टैंड योर चैप्टर.